हेलो फ्रेंड्स, मैं जया लाइट हाउस होल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऑर्डर आउट ऑफ केयर्स इस ज़ीबू सिंबल का डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। इसे बनाने के लिए हम यहाँ से कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ्ट चलते हुए अगेन ये कर्व यहाँ कंप्लीट होगा और उसके बाद यहाँ से दो पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, इस सिंबल के लिए आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर ना हो तो ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इसके लिए जो क्रिस्टल यूज कर सकते हैं वो है क्लियर क्वार्ट्ज़। ठीक है, आप ये सिंबल बहुत हेल्पफुल है जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील करते हो आपके घर में या आपके सराउंडिंग में या आपके ऑफिस एरिया आपके आसपास आपको कोई लोग आते हैं जिनके कारण आपको लो फील होता हो या नेगेटिव फील होता हो, बहुत ज्यादा हेवी या डेंस वाइब्रेशन आप फील करते हो, उस समय ये सिंबल बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये सिंबल क्या किस चीज में हेल्प करता है कि जब आपके इर्द गिर्द या तो आप में बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशंस है, आप बहुत नेगेटिव डाउन लो फील करते हो, लोअर वाइब्रेशंस रिसाइड करते हैं आप में, उस समय क्या होगा कि उन वाइब्रेशंस के कारण आप जो है आपका जो बैलेंस है, चक्रा बैलेंस बोले या जो बॉडी का हायर बैलेंस है वो इम्बैलेंस में थोड़ा बदलता है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है ड्यू टू दीज हैवी एनर्जीज या हैवी वाइब्रेशंस। ठीक है, सो जब चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं सो चक्रा इम्बैलेंस के कारण भी इम्पैक्ट होता है, एज वेल एज जो आपके हैवी वाइब्रेशंस आपके सराउंडिंग में है या फिर आप में हैवी वाइब्रेशंस है या लोअर वाइब्रेशंस है उसके कारण आप कंफ्यूजन डल ये सारे फीलिंग्स आपके अंदर ज्यादा बढ़ती है। सो ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं एंड वो सारे फीलिंग्स, वो डल फीलिंग्स, वो लोअर एनर्जीज उनको अपने से वाइप आउट या बाहर निकालने में ये सिंबल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये सिंबल और क्या होता है कि जो डिसहार्मोनियस एनर्जी रहती है या लोअर एनर्जीज रहती है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है जिससे कि फ्रस्ट्रेशन या अनस्टेबल सिचुएशन सारे नेगेटिव इमोशंस एंड सिचुएशंस जो है आपकी तरफ ड्रॉन होने लगते हैं। ठीक है, सो हमें ये सारे इमोशंस एंड सिचुएशंस से खुद से इन सबको रिलीज करना हो तो यह सिंबल यूज कर सकता है कर सकते हैं। इन्हें यूज करने से आपका आप खुद भी लाइट फील करेंगे, आपका जो सराउंडिंग एरिया है आपके घर में यदि डेंस एनर्जी फील कर रहे हो तो आप घर के बाहर जो मैट होता है डोर मैट उसके नीचे ये सिंबल स्टिक करके रख सकते हैं। सो जब भी कोई आप यदि अंदर आए तो आपके अंदर की जो डेंस और हैवी एनर्जी है वो घर के बाहर रह जाएगी या फिर आपके घर पे जो आ रहे हैं कोई व्यक्ति यदि वो बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे सो वो सारे टेंस्ड एनर्जीज एंड जो लोअर एनर्जीज लोअर डेंस वाइब्रेशंस है वो सब आप पे इम्पैक्ट नहीं होंगे, वो सारे वाइब्रेशंस घर के बाहर रहेंगे, वो घर के अंदर आके वो भी आपके यहाँ आके हैप्पी फील करने लगेंगे। ठीक है, सो ये सिंबल से बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलना स्टार्ट होता है विद टाइम जैसे आप रेगुलर इस सिंबल को यूज करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि ये सिंबल वो सारे वाइब्रेशंस को रिलीज करने में हेल्प करता है, एट द सेम टाइम लेट गो करने में भी हेल्प करता है जिससे कि जो डिवाइन लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके एंड आपके सराउंडिंग में भी वो मिल सके। इसमें जो ये स्पाइरल लाइन्स है ये इंडिकेट करती है जो क्योटिक एनर्जी है उसको, एंड जो पैरेलल लाइंस हैं ये उस क्योटिक एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में हेल्पफुल है। इसलिए वो जो क्योटिक एनर्जी है उसको रिलीज ट्रांसम्यूट करके जो काम डिवाइन एनर्जी है उसे सब तरफ फिल करने में हेल्पफुल है। इसलिए ये सिंबल बहुत हेल्पफुल है आपके वर्क स्पेस पे, आपके वर्क एरिया में या होम एरिया में जहां पे भी आपको लगता है कि डेंस एनर्जी नहीं रहनी चाहिए वहां आप ये सिंबल लगा सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं या एयर में भी बना कर ड्रॉ करके रख दें सो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसे जैसे कि मैंने बताया डोर मैट के नीचे रखना तो बेस्ट है, मीन्स आप ऑफिस के डोर मैट के नीचे या घर के डोर मैट के एंट्रेंस पे जो डोर मैट रहता है उसके नीचे रख सकते हैं। फिर आप यदि आपका वर्क स्पेस पे एक A4 साइज के पेपर पे इसे ड्रॉ करके रख सकते हैं या फिर आपका बहुत ज्यादा गेस्ट चाहते हो या आप ऐसे इसमें प्रोफेशन में हो जहां काफी कस्टमर्स आते हैं उस समय आप इसे स्टिक करके डोरमैट के नीचे स्टिक करके रख सकते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह स्टिक करके रख सकते हैं जहां सब आने जाने वाले इसे देख सके जिससे कि
जिसकी भी लोअर एनर्जीज होंगी वो सब पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होते जाए, जिससे आप भी इसका बेनिफिट उठाए और जो इसको देखे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।